हेलो सन मून एंड राइजिंग सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैव एंड स्ट्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स के हवाले से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर सैजिटेरियस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, यहाँ पे है अंडरनीथ, आपके पास है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ महसूस कर रहे हैं और वो कोई भी एक्शन टूवर्ड्स यू नहीं लेना चाहते आपकी तरफ। अभी फ़िलहाल कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, वो बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड में है और इस वक्त जो है वो कमिटमेंट के हवाले से, लाइक स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के हवाले से उनका जो एटीट्यूड है वो नॉन सीरियस है और फीलिंग्स भी अपने कंट्रोल कर रहे हैं वो। हो सकता है उनको फाइनेंसेस का कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अपनी लाइफ में वो अनस्टेबल हैं, ठीक है। फिर भी वो कोई भी स्टेप टूवर्ड्स यू लेना नहीं चाहते। वो उनके लिए चैलेंज हो रहा है कि सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना। आप दोनों में कोई ना कोई डिफरेंसेस तो हैं, कोई ना कोई ओपिनियन डिफरेंस है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही, लेकिन वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप की सक्सेस, उसको सक्सेसफुल बनाना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तभी वो कोई स्टेप आपकी तरफ लेना नहीं चाहते। सो यस, उनके लिए चैलेंज हो रहा है और वो हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन शायद उनको लगता है कि जब वक्त सही वक्त आएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, उन्होंने सब कुछ सही वक्त पे छोड़ दिया है। यस, उन्होंने पास में बहुत ज़्यादा वो आपसे सेकंड चांस लेना चाहते हैं, लेकिन अब जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि पहले अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आ सकें ताकि कोई स्टेप वो आपकी तरफ ले सकें। लेकिन इस वक्त शायद वो उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं। लेट्स सी कि उनका ट्रू इंटेंशंस क्या है टूवर्ड्स यू। वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। यस, बैलेंस करना चाहते हैं। वो किसी ना किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो खुद से कोई स्टेप ले नहीं सकते तो वो जस्ट डिवाइन से हेल्प चाहते हैं। वो जैसे मैंने कहा कि वो सही पक्का वेट कर रहे हैं, जब डिवाइन चाहेगी तो सब ठीक हो जाएगा, तो वो खुद से कोई एफर्ट लेना नहीं चाहते। वो जस्ट मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएँ। उनको लगता है कि वो एक बंद गली में आके फंस चुके हैं, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइक आप उनकी डेस्टिनी हैं, आप उनके डेस्टाइंड पार्टनर हैं। वो बहुत ज़्यादा पैशन भी फील करते हैं आपकी तरफ और लाइक उनको बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन भी हुई है आपके साथ रहते हुए, इस रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत सी चीज़ों की रियलाइजेशन भी हुई है। सो यस, वो आपको अपना डेस्टाइंड पार्टनर भी समझते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि उनको रोमांस एंजल ओरेकल की तरफ से क्या मैसेजेस और एडवाइसेस हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से। यस, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो उनको ये कहा जा रहा है कि उनको इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके आपके साथ कुछ टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि आप उनका ट्रू लव हैं, दिस इज़ योर रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। तो उनको ऐसा लगता है कि ये उनका लाइफ टाइम का रोमांस है, इसीलिए लाइक डिवाइन उनको ये रियलाइज़ करवाती है, उनको ये डिस्कवर करवा रही है। सो यस, यूनिवर्स उनको ये रियलाइज़ करवा रही है कि ये उनका डेस्टाइन रिलेशनशिप है और उनका ट्रू लव है। तो उनको अपने लाइफ में अगर किसी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, अपनी फैमिली की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो उस सब चीज़ों को एक वक्त के लिए उनको साइड पे रख के आपके साथ कुछ टाइम गुजारना चाहिए। सो लेट्स सी के उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं फॉर यू, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो उनको लगता है कि आपको उनको सही उन्हें आपको सही ट्रीट करना चाहिए था। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो उनको कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन भी इस रिलेशनशिप से मिला है। एंड यू केम क्लोजर देन एनी वन। तो उनको यही फील होता है कि आपसे के अलावा कोई भी उनकी लाइफ में इतना क्लोज नहीं हो सका, आपने उनकी रूह को छुआ है। सो तो यस, वो आपके साथ
लाइफ गुजारना चाहते हैं, आई फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश भी। तो ये ट्रूथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि शायद आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, लाइक सोसाइटी के वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते, बहुत से डिफरेंसेस की वजह से नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो इस वक्त उनको ये फील होता है कि मिरेकल ही होगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अदरवाइज़ हमें एक दूसरे से दूर होना चाहिए। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज़र टू मी। तो हो सकता है कुछ वजूहात की वजह से वो आपको अपने करीब नहीं होने देना चाह रहे, बट आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड। तो वो आपके के साथ सिर्फ फ्रेंडशिप में नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी ना किसी किसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं वो आपके साथ। सो यस, बहुत सी चीज़ें उनको आपके बारे में रियलाइज़ करवाती हैं, और बहुत सी चीज़ बहुत से स्पिरिचुअल लेसन्स उनको मिले हैं, और वो आप जितना क्लोज आप उनके आए हैं कोई और नहीं आया। वो अपनी अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, और जैसे बंद गली में अपने आप को महसूस करते हैं विद दिस इम्पास कार्ड। उनको लगता है कि आप जैसा कोई उन्हें मिल नहीं पाएगा, और आप के बगैर वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ना इस वक्त वो आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि जो है वो हो सकता है डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन उनको ये भी फील होता है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, इसलिए वो आपके साथ किसी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकते। और अगर वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आते भी आएंगे भी, तो वो जस्ट आपके साथ वो लव रिलेशनशिप ही बना सकेंगे, अदरवाइज़ वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आपके साथ नहीं रह पाएंगे। सो उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी के सजिटेरियस के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड सजिटेरियस क्या हो सकता है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी सजिटेरियस के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है सजिटेरियस के लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, स्टिल यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स है। सो यस, वो अभी फ्यूचर में भी कुछ एक्शन टूर नहीं ले सकते आपकी तरफ, वो इनडिसीजन में हैं, वो डिसीजन भी नहीं कर ले पा रहे, फ्यूचर में भी वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उन्हें आपकी तरफ क्या स्टेप लेने चाहिए। बट वो आपके बगैर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं, और आपके आपके साथ ही वो बॉन्ड फील करते हैं जो किसी और के साथ वो कभी भी फील नहीं कर सके। वो आपके हवाले से यादों में गर्क हो सकते हैं, आपके हवाले से सोच सकते हैं, और नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, और वो आपके साथ लेकिन आइसोलेट हो सकते हैं, ख़ुद को आइसोलेट कर सकते हैं, और वो चाहेंगे कि आपके साथ उनका एक दोबारा से कनेक्शन बन जाए जो पास में था, और आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप को बिल्ड करने के हवाले से सोच सकते हैं। वो एक गहरी सोच विचार के बाद आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करने के हवाले से सोच सकते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स एज यू नीड टू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट ब्लू लाइक और यू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।